हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं इक्लैन के पेज पे और आज हम देखेंगे इक्लैन से रिलेटेड जितना भी डाउट्स आया हुआ है, साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किन किन जिलों को पैसा मिल चुका है और उनको कितना पैसा मिला है। लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे सब कुछ, उसका स्क्रीनशॉट तक आप लोगों को दिखाएंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि किन किन जिलों का पैसा कब कब आएगा, जिसका भी अटका हुआ है उन लोगों को कब आएगा, और आपका फॉर्म अगर DLC में अटका हुआ है तो वो DLC में क्यों अटका हुआ है और वो कब तक जाके ये अपलोड होकर आपको कब पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सारा जानकारी हम लोग देंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। सबसे पहले हम लोग इक्लैन के पेज पे जाते हैं। आप लोग को पता ही है कि इक्लैन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें अपडेट्स में आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नया नहीं आया है। डेट हम लोग को पता है कि एक्सटेंड होने वाला है, लेकिन अभी तक एक्सटेंड हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसका हम लोग वेट कर सकते हैं और उसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डेट एक्सटेंड होने के बाद ही जितना भी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं या फिर जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया है फॉर्म अभी, तो वो लोग जो है अभी उसको रीसबमिट नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट। डेट एक्सटेंड हुआ नहीं है तो उन लोगों के पास जो है रीसबमिट करने का यानी कि फॉर्म को एडिट करने का जो ऑप्शन होता है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इक्लैन ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी जब डेट एक्सटेंड हो जाएगा तब। ठीक है, अभी जाके इक्लैन ऑफिस में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग उसको जो है एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट में ही वो खुला नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया रीसबमिटेड वालों को क्या क्या डाउट था, क्या क्या करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं किन किन लोगों को पैसा मिला है, किन किन लोगों को पैसा मिलेगा और किसको कितना पैसा मिलेगा, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए हम लोग चलते हैं अपने डाउट सेक्शन में। ठीक है, डाउट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं इतने लोगों का डाउट आया हुआ है, रांची को कब मिलेगा, चतरा को कब मिलेगा, तो सारा एक एक डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे जितना भी इंपॉर्टेंस हमको लगेगा। साथ साथ और अगर कुछ डाउट छूट जाता है तो उसको हम लोग शाम में इवनिंग में हम लोग डेली लाइव आते हैं, वो लाइव सेशन में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला डाउट आया है कि मेरा तो कॉलेज में ही अटका हुआ है, अभी तक क्या करें, कोई बताएगा गिरिडीह जिला का। तो भाई गिरिडीह जिला में अगर तुम्हारा कॉलेज में ही अटका हुआ है तो भाई तुम्हारा कौन सा कॉलेज है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट सही है तब भी कॉलेज में अटका हुआ है तो आपको एक बार क्या करना होगा, अगर तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट सही है तब भी अगर वो कॉलेज में अटका हुआ है तो तुमको एक बार इक्लैन ऑफिस जाके उसको जो है वहाँ से छुड़वाना होगा। कहने का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट में मेरा सब कुछ सही है सर, वहाँ पे बताना पड़ेगा, इग्नोर हो जाता है, कोई कोई फॉर्म लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको जाके करना होगा इक्लैन ऑफिस में। एक और स्टूडेंट था गिरिडीह जिला का, उसका भी अटका हुआ था कॉलेज में, कोई धीरेन सोरेन करके था, तो उसको हम बतलाए, वो इक्लैन ऑफिस गया, उसका फॉर्म जो है सही हो गया। ठीक है, साथ साथ बताते कि गिरिडीह जिले में सबको पैसा मिलना शुरू हो गया और आपका अभी तक फॉर्म अटका हुआ ही कॉलेज में, तो ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। ठीक है, तो आप जाइए एक बार इक्लैन ऑफिस, वहाँ से उसको ठीक करवा लीजिए ताकि आपको पैसा मिलने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं और किस तरह से क्या क्या डाउट आया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट डाउट होगा सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगला डाउट आया हुआ कि फाइनल अप्रूव्ड बाय ए हो गया बट अभी तक पैसा नहीं आया है, पीके रॉय कॉलेज धनबाद अभी तक नहीं आया। तो भाई बता दें कि धनबाद वाले को, ए अप्रूव वाले को जितना भी लड़का था सबको पैसा आ गया है। धनबाद में पहला इंस्टॉलमेंट का जो पहला जो किस्त आता है ना पैसा का, कि एक 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 इंस्टॉलमेंट पैसा आते रहता है। ठीक है, तो पहला फंडिंग वहाँ हो चुका है, साथ साथ जितना भी लोग का ए अप्रूव था सबको पैसा मिलना शुरू हो गया दो तीन दिन पहले से। ठीक है, तो आपका जो भी, अगर आपका ए अप्रूव अभी 10 दिन पहले हुआ है तो भैया आप 10-15 दिन और वेट कर लीजिए, कार्टून एक्स गेमर आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपका ए अप्रूव है तो कोई परेशान होने का बात नहीं है। ठीक है, अगर कहीं की कोई और बात होगा, मान लीजिए आपका रीसबमिट किए हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ए अप्रूव है तो आ जाएगा। ठीक है, धनबाद वाले परेशान एकदम नहीं होइए, हम बता रहे हैं आपका पैसा 10 दिन में के अंदर आ जाएगा। जमशेदपुर में सभी ए वालों को मिला कि नहीं, हाँ भाई जमशेदपुर में जितना भी ए वाले था सबको मिल गया है, आपको आप लोग आगे देख पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसी किसको कितना कितना मिला। ठीक है, तो जमशेदपुर में कोई भी आदमी बचा नहीं है लेफ्ट आउट, जमशेदपुर में ऐसा एक भी लड़का नहीं है जिसको ए अप्रूव हो गया और उसको पैसा नहीं मिला। ठीक है, एक दो अगर छूटा है तो रीसबमिटेड वाला छूटा है, या फिर जिसका फॉर्म पेंडिंग हो गया है, या फिर किसी लोग का DNO या DLC में अटक कर गया डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, साथ साथ उन लोगों को भी पैसा नहीं मिल पाया है जिसका जिसका जो है आधार सीडिंग एक्टिव नहीं था, आधार लिंक था बैंक से लेकिन सीडिंग एक्टिव नहीं था। ठीक है, वो सब कुछ बैंक में जाके वो लोग करवा लेंगे तो उसको पैसा मिल जाएगा। बहुत लोगों से मेरी बात हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया पैसा आ रहा है 70,000-80,000 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे हम लोग डाउट। और हम लोग और डाउट हम लोग देख लेते हैं नीचे जो भी है। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट डाउट होगा वो हम लोग देखेंगे, बाकी हम लोग डाउट को एक दो तो छोड़ भी रहे हैं क्योंकि वो हम लोग लाइव सेशन में देख लेंगे। ठीक है, देखो थैंक यू भैया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आज ही आया है सिंहभूम का 60,000 मेरा, 80,000 मेरी दोस्त का। देख सकते हैं आप लोग कि 60,000-80,000 करके मिल रहा है। चिनमोय एक लड़का है, बहुत दिन से कमेंट कर रहा था, आप लोग देख पा रहे होंगे और भी वीडियोज़ में इसका कमेंट, जितना भी लोग जो है सिंहभूम से वो लोग का 3 महीना तक ए अप्रूव करके लटका कर रखा था, 3 महीना ए अप्रूव हुआ
तब जाके उन लोग को पैसा मिला। तो आपका 10 दिन हुआ है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा, आपके डिस्ट्रिक्ट में जब फंड आएगा तब आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हम एक डिस्ट्रिक्ट वाले को नहीं बता रहे, जितना भी डिस्ट्रिक्ट वालों का फंडिंग नहीं हुआ है तो पैसा कहाँ से आएगा। आपका बस स्टूडेंट का काम यही है कि वो ए अप्रूव करवा ले, ए अप्रूव आपने करवा लिया है तो आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग और देख लेते हैं डाउट, ठीक है। कौन सा कॉलेज है भाई, NSU वगैरह सबको मिल गया, BEd वाले तक को मिल गया, ठीक है। आज आ गया भैया 60,000 NSU से, मेरे दोस्त का MBA था, MBA वाले को 80,000 करके मिल रहा, ठीक है। 70 के BCA को मिला क्या, सर डिप्लोमा इन फार्मेसी 80 के MBA। देखो भाई, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो भी फार्मेसी में डिप्लोमा कर रहे थे वो लोग को 60,000 करके मिला है और MBA वाले को 80,000 करके मिला। ये दोनों का जो है बोनाफाइड 1 लाख से ऊपर का था, ठीक है। जितना भी बोनाफाइड 1 लाख से ऊपर कर रहा था सबको भाई 60,000 70,000 80,000 इतना करके मिला, ठीक है। भाई मैं भी जमशेदपुर से हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक, ये फाइनल अप्रूव्ड हो गया है, तो इसका भी देखो, इसका लेट से फाइनल ये अप्रूव्ड हुआ होगा तो इसको लेट से थोड़ा मिलेगा। लेट से कहने का मतलब 2-4 दिन लेट होगा फिर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं किसे इसका डाउट आया हुआ है, जितना भी डाउट आया सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिसबमिटेड वालों का तो कब से रिसबमिटेड ही दिखा रहा है, वो आगे प्रोसेस कब होगा। तो भाई देखो, रिसबमिटेड वाला का इसलिए दिखा रहा नहीं क्योंकि रिसबमिटेड वाला का लेट से शुरू हुआ है प्रोसेस होना ही, जुलाई में शुरू हुआ ही है, अभी तो जुलाई का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ, तो एक महीना भी अभी नहीं हुआ है, इतना सारा फॉर्म पेंडिंग है। तो धीरे धीरे करके हो रहा है, रामगढ़ वाले का कुछ कुछ लोगों का रिसबमिटेड से DNO में गया है, धनबाद वाले बोकारो वालों का भी गया है, रांची में भी शुरू नहीं हुआ है अच्छे से। रांची में भी जब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होना हो जाएगा तो लड़का लोग का दिखने लगेगा कि हाँ भैया मेरा मतलब जो है जो पेंडिंग किए थे जो रिसबमिट किए थे वो अब जाके अप्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सबका हो जाएगा, अगस्त में सब फाइनल क्लियर कर देगा, जिसका भी ए अप्रूव्ड है सबको इस महीने के एंड तक, जैसे हम बोले थे सबको मिल गया है, जमशेदपुर में मिल गया, बोकारो में मिल गया, गिरिडीह तक में मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर 95,000 का बोनाफाइड में कितना मिलेगा, प्लीज़ बताइए भाई। 95,000 का बोनाफाइड तो हमको 60,000 मिलेगा, देखो लिखा हुआ है 60,000, 60,000 नहीं मिल रहा है बी फार्मेसी वाले को, ठीक है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा सर, भाई सिमडेगा वाले को बता दें कि एक फंड आप लोग का आ चुका है, ठीक है, एक बार आ चुका है, अब अगला जब फंडिंग होगा तब आपको पैसा मिलेगा। गिरिडीह का कब मिलेगा, 7 जून को फाइनल अप्रूव हुआ है, देखो इसका 7 जून को फाइनल अप्रूव हुआ है, तो भाई अभी तो तुम्हारा कितना दिन हुआ, 7 जून 7 जुलाई, एक महीना तो हो गया है, और 10-15 दिन वेट कर लो, गिरिडीह में फंड आया हुआ है, गिरिडीह में तुम्हारा सारा दोस्त को भी पैसा मिलना शुरू हो गया है, सही बात है कि नहीं सुभाष, सबको पैसा मिल रहा है तो आपको भी मिल जाएगा, कुछ दिन वेट कीजिए आप लोग। और देख लेते हैं हम लोग किसे इसका पैसा आया, जितना भी लोग का DNO में अटका हुआ है भाई, तुम लोग का डिस्ट्रिक्ट में फंड आने के बाद ही ये अप्रूव करेगा, ठीक है, इसलिए उसको बैठा के रखा है। एक ऑथेंटिक बात बोलूँ, सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट का ही इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अदर डिस्ट्रिक्ट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऋषभ क्या नाम है इसका, ऋषभ रियांस व्लॉग्स, देखो भाई ऐसा बात नहीं है, सिर्फ रांची में सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सारा डिस्ट्रिक्ट को आप देख पा रहे हैं, जमशेदपुर वाले को 80,000 90,000 करके मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है रांची वाले को, गोड्डा में बहुत लोगों को पैसा मिला है, बोकारो में मिला है सबको, सारा डिस्ट्रिक्ट में पैसा मिल रहा है। अभी एक हम स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में लगाए होंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक लड़का जो है लोहरदगा का है उसको भी 60,000 करके मिला है, तो जिसका जैसा बोनाफाइड होगा सबको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रांची में ज़्यादा पैसा मिल रहा है बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले को कम मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल ही मत सोच के चलना भाई, ठीक है। और भी देख लेते हैं भाई जिसका इसका जोड़ा, अगर आपको भी किसी तरह का डाउट आता है आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में हमसे पूछ सकते हैं, लेजेंड्स ऑफ जेवियर का इंस्टाग्राम है, वहाँ भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, साथ साथ यहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फैलाइए वीडियो को, ठीक है, थोड़ा 10K करने में हमारी मदद कीजिए, बाकी हम भी आपका मदद कर ही रहे हैं, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। देख लो, एक लड़का है जिसका 1468 रुपया आया है, ये बोल रहा है पेंशन आया है कि स्कॉलरशिप आया है, बताओ भाई इसका थोड़ा कम आ गया, ठीक है। बोनाफाइड कितना का है भाई बताओ, अगर बोनाफाइड ही तुम्हारा 1200-1300 तक का होगा तो तुमको कितना पैसा मिलेगा बताओ, बोनाफाइड ही जिसका कम होगा उसको तो कम ही ना मिलेगा, बाकी फिर भी 1400 रुपया 1600 रुपया तो थोड़ा कम अमाउंट है, क्योंकि जहाँ 7,000 8,000 70,000 80,000 ऐसे करके मिल रहा है तो उसको 1200-1300-1400 क्या बुझाएगा, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भैया हमको थोड़ा ज़्यादा मिले। बाकी भाई बोनाफाइड बताओ तुम्हारा कितना का है, अगर तुम्हारा स्टेट क्रेडिट होगा तो तुमको फिर से मिलेगा, ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना। सर ई कल्याण का डेट बढ़ेगा या नहीं, हाँ भाई ई कल्याण का डेट बढ़ेगा, ठीक है, परेशान नहीं होइए, ई कल्याण का डेट फिर से बढ़ेगा, ठीक है, कुछ दिन का टाइम लगेगा फिर ई कल्याण का डेट फिर से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेट नहीं बढ़ेगा तो बाकी लोग को पैसा कैसे मिलेगा, जितना लोग जो रिसबमिट किया हुआ है, इतना लोग का जो रिसबमिट हो नहीं पाया है, अभी अभी रिजेक्ट हुआ है, तो वो लोग कैसे उन लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो डेट बढ़ाएगा, डेट बढ़ाने का ज़रूरत भी है, ठीक है, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, डेट सबका बढ़ेगा। और देख लेते हैं भाई किस तरह से क्या क्या डाउट आया हुआ है, एक लड़का है देख लीजिए आप लोग, सागर बाबू, इसका जो है 1000 का बोनाफाइड था, इसको कितना मिला है 29 जुलाई को ईस्ट सिंहभूम झारखंड का, इसको 4,000 रुपया मिला है, यानी कि 1000 के बोनाफाइड में अगर इसको 4,000 रुपया मिला है तो आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ज़्यादा करके पैसा दे रहा है, ठीक है। और भी जितना भी
जमशेदपुर का लड़का है, सबको एकदम हुमच मच के पैसा दे रहा है, ठीक है। स्टेट क्रेडिटेड है या सेंट्रल स्टेट कुछ लिखा हुआ नहीं है एप्लीकेशन स्टेटस में, तो भाई बता दे कि एप्लीकेशन स्टेटस में फर्स्ट डे ही लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। आपका जब पैसा आ जाता है, पैसा आने के 2-4 दिन बाद अपडेट करता है वहाँ पे कि आपका इस वाले अकाउंट में पैसा गया है, आपका अकाउंट नंबर आएगा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ आएगा कि फाइनल क्रेडिटेड है या फिर स्टेट क्रेडिटेड है, ठीक है। तो आप लोग वेट कर लीजिए, बाकी जमशेदपुर वाले को बता दें कि अगर कोई ओबीसी में है तो उसको एक बार में ही पूरा पैसा दे दिया है, लेकिन एसटी एससी वाले को थोड़ा सा क्या किया है, उन लोगों को आधा करके पैसा काट के दिया है ताकि अगला जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा। तो फंड कम होने की वजह से ऐसा करता है, जब फंड आ जाएगा पूरा पूरा तो आपको पूरा पैसा भी दे देगा, ठीक है। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप लेजेंड्स ऑफ जेवियर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आप रांची इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ना चाहते हैं या फिर रांची के किसी भी अन्य कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस जानना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड किसी भी तरह का जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना के आप लोगों का हेल्प करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।